हैं तो हम हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और उन दरवाजों से तब से मेरा मतलब है कि बहुत बड़े एग्जामिनेशंस को हम देने लायक होते हैं, जैसे कि आईएएस की परीक्षा और बहुत सारी परीक्षा। जब इनको हम क्लियर करते हैं तो हम उस पोजीशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम जैसे लोगों की और जो वो कम्युनिटीज़ है जो कि बहुत शोषित नहीं है बहुत सालों से, उनकी मदद कर सकें। तो उस पोजीशन पे हम जा सकते हैं अगर हम शिक्षित हों। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वो हर फील्ड में होना चाहिए, हर जगह हमें शिक्षित होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है वो है उनकी जीवन का संघर्ष। वो उनका संघर्ष हमें एक इंस्पिरेशन देता है कि हमारे जीवन में तो वो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अपने जीवन में सहा है, तो उसको इंस्पिरेशन लेकर हमें अपनी डिफरेंट जितनी भी हमारी फील्ड है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, उसको उसी कड़ी मेहनत से अपना काम करना चाहिए और देश की भलाई, अपने लोगों की भलाई और अपना अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहिए। इससे हमारा समाज का नाम ऊपर होगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना है वो भी पूरा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक और चीज़ आजकल देखता हूँ कि बहुत से लोग जो हमारे समाज के हैं वो बहुत कुछ जानते हैं बाबा साहब की जीवनी पर और उनके जो उन्होंने मैसेजेस दिए थे, जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने लिखा था, पर बहुत ही कम लोग हैं जो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उसको उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उनकी जो मैसेजेस हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करिए, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सच होगा जो उन्होंने कहा था कि हमारा समाज ऊपर हो, संघर्ष करे, संगठित रहे और उच्च उच्च पदों पे जाए, जिससे हमारे लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो ना हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उनकी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और शिक्षित बना जाए। तो यही मेरा आप सभी से एक तरह का मैसेज है और जो मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं और जो इस आईएएस की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कि उनको इंस्पिरेशन बनाए और उनकी तरह कड़ी मेहनत करें और उन जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो उसको लेकर चलें। अगर आप ये करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे और उनका सपना सच करेंगे। सो ऑल द बेस्ट सबके लिए। और फाइनली मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। ये हमारी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि सब हम अपने समाज के सामने मेरे को सम्मानित करना। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।